हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग, सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 7 और दिशा युवराज जा रहे हैं स्कूल। ये अभी रेडी हो गई और इस रेडी हो गए हैं, रिया भी उठ चुकी है। नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती। हाँ, नींद पूरी नहीं होती। हाँ भाई पहलवान जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, फिट है एकदम। हाँ। रेडी हो गया। हाँ। तो गाइस 7 बजे इनकी वैन आती है, 7:15 बजे के आसपास, तो 6 बजे उठना पड़ता है सबको। तो इसीलिए अब इनकी नींद पूरी नहीं होती, रात को सो नहीं पाते इतनी जल्दी से, तो जो है इसलिए चल रहा है ऐसे ही। तो बाकी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी इनकी वैन आने वाली, छोड़ के जाने वाला हूँ मैं। चाचा भी उठ चुके हैं, मम्मी भी उठ चुकी हैं। मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है मम्मी? आवाज नहीं निकल रही मम्मी की, क्या हो गया? पता ना कैसे गला बैठ गया, गला बैठ गया मम्मी का, ये हाल है। तो ऐसे ही हो रहा है अभी। रोक्सी देखो, करते हुए रोक्सी खाने का वेट करते हुए तड़पती हुई एकदम, जल्दी से खाना आ जाए। और रिया इसका खाना बना रही है, रेडी कर रही है खाना इसका। खाना खाएगा, खाना खाएगा रोक्सी? है रोक्सी, खाना खाएगा? हाँ, खाने की वजह करती है, ज्यादा कंपन हो जाती है शरीर के अंदर। है रोक्सी, खाना खाएगा? खा ले, चल खा ले। चल रहे हैं गाइस, वैन आने वाली है तो मैं छोड़ के आता हूँ इनको। दोनों वैन आ गई है इनकी, फोन आ रहा है तो मैं छोड़ के आता हूँ। मम्मी पापा आ चुके हैं घर, मम्मी की आज छुट्टी थी, मम्मी शॉपिंग पे गई थी। आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या क्या लेके आई है। तो गाइस, मेरे लिए मम्मी चप्पल लेके आई है घर में पहनने के लिए, सर्दी की। और अम्मा पहली बार जिंदगी में सूट पहनेगी, अम्मा का सूट लेके आई है मम्मी, ये वाला सूट लेके आई है गर्म, वो ठंडो का, ठंडो सर्दियों का गर्म सूट है। और इसके लिए लेके आई है हाफ जैकेट। और क्या लाई हो? और ये मखाने लाई, मखाने। तो गाइस ये मखाने हैं, एक तेरी पैंट है। तो गाइस मेरी पैंट भी लेके आई है मम्मी, ये वाली पैंट है मेरी, गोल्डन से कलर की है। और रॉक्सी के लिए क्या लेके आए हैं? कुछ नहीं, ये तो भी कुछ, और मेरे लिए कुछ नहीं लेके आई होगी। पापा के लिए हमेशा कुछ नहीं रहा है मार्केट में ना, पापा के साइज के मिलते नहीं है कपड़े। पापा के लिए बेटे कुछ नहीं मिलता है। ग्लव्स भी दिखा अपने, ग्लव्स। तो ग्लव्स है ये, ग्लव्स दिखा दे। तो ये ग्लव्स हैं युवराज के, ये भी लेके आई है मम्मी की। जिस दिन छुट्टी होती है वो पापा के पैसे लेके शॉपिंग करने चली जाती है मम्मी। ट्यूसडे को हर बार पापा के पैसे डुबाती है। तो युवराज अपना डांस दिखा रहे हैं। क्या हुआ रोक्सी? पतली कमरिया का, पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, तिरछी नजरिया बोले हाय हाय हाय, रसभरी बदनिया तोरे हाय हाय हाय, पहल जिगर तोड़ हाय हाय। छोरी रॉक्सी, तू एक काम कर, तेरे लिए हम लोग ना कल रॉयल कैनल ले आएंगे, ठीक है? तेरा पढ़ाई जब खत्म हो जाएगा तेरे लिए ले आएगी मम्मा, तू दुखी मत हो। बाबू तू कपड़े नहीं पहनेगी ना, तेरे कपड़े अलग आते हैं, डॉग शॉप से आते हैं ना तेरे कपड़े, है ना? डिनर टाइम हो चुका है, डिनर आपको दिखाती हूँ आज खाने में क्या है। और रॉक्सा क्या कर रहा है, रॉक्सा को दिखाती हूँ। इसको खाने के समय जब खाना बनता है किचन में तो भेजते नहीं है, कहीं इसके ऊपर कुछ गिर ना जाए गरम गरम, तो ये यहीं रहती है, पर इसे नीचे जाना होता है। युवराज का खाना देख रही है अभी, युवराज के खाना। मैं चीनी से रोटी खाता हूँ। तू चीनी से रोटी खाता है? अच्छा सब्जी दिखा, सब्जी सब्जी लो भाई। देखो भाई मेरा भी खाना आ चुका है, आज बनी मेथी है और रोटी है आलू में। तो गाइस पापा और युवराज कर रहे हैं डिनर, मैं अम्मा और मम्मी से मिलवाती हूँ आपको। मम्मी यहाँ पर मेरी मैगी बना रही है, क्योंकि लेना मैं एक ही टाइम कोई सब्जी खाती हूँ, मैं दोबारा उसको सब्जी नहीं खाती। और अम्मा यहाँ रोटी सेक रही है, मम्मी और अम्मा दोनों मिलके काम करती है मम्मी।
अगर कोई काम वो कर रहा है तो कोई वो करेगा। तो गाइस पापा खाना खा रहे हैं, रॉक्सी ऊपर आने के लिए कर रही है, पर बाबू आपके हेल्थ के लिए अच्छा खाना नहीं है। इस रॉक्सी को हल्की सी रोटी दी है, अब इसे रोटी भी स्टार्ट करानी है ना धीरे धीरे रॉयल कैनल में, इसे रोटी की आदत डालनी है। तो गाइस इस व्लॉग को करते हैं एंड, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय गाइस।